हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज आपको हम गाजर का हलवा बना के दिखाते हैं। चलिए, तो गाइस मैंने यहाँ पे 1.5 किलो गाजर ले ली है। तो गाजर ना आपको ना हलवे के लिए मोटी गाजर ही लेनी चाहिए, क्योंकि पतली गाजर ना घिसने में बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। तो अभी हम इनको घिस लेते हैं, देखिए। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे 1.5 किलो गाजर ली थी और 1.5 किलो गाजर को कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस करने के बाद मैं अब इनको उबाल लेती हूँ। अब उनको उबालने के लिए कुकर में ना 2 सीटी लगवानी पड़ेंगी, तो ज़्यादा पानी भी नहीं करना होता क्योंकि गाजरों में पानी बहुत होता है। तो इस वजह से गाजरों को आप इन गाजरों में बस 1 गिलास पानी करके और 2 सीटी लगवा देना। तो गाइस मैंने अभी इन गाजरों को कुकर में रख दिया है और ज़्यादा पानी इसमें किया नहीं है, बस 1 गिलास पानी किया है। आपको भी ज़्यादा पानी इसमें करना नहीं है। तो गाइस मैंने ये गाजर उबालने के लिए रख दी हैं और इसमें ना बस आपको 2 सीटी लगवानी है और गाजरों को कच्चा भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको गाजर कच्ची का आपकी गाजर कच्ची रह गई ना, उबल नहीं पाई ढंग से, तो आपको ना फिर ये हलवे में ना किचकिच करेंगी जो आप खाओगे। तो गाइस मैंने यहाँ पे 1 किलो दूध ले लिया है और मैं अभी बनाने वाली हूँ खोआ। खोआ ना घर का ही बनाओ तो ही टेस्टी लगता है, सब कुछ घर का होना चाहिए, खोआ सब कुछ वगैरह। तो गाइस अभी हम इस खोए को भूज रहे हैं, तब बताएंगे आपको। और तो गाइस देखिए ये मेरी गाजर उबल चुकी है, आपको हाथ से पता चल रहा होगा कि ऐसे करके मैश हो रही है। तो मेरी गाजर उबल चुकी है, अभी इनको ठंडा होने के बाद इनको निचोड़ लेंगे। इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ना है, अगर पानी रह जाएगा तो हलवा टेस्ट नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो गाइस मैंने ये अपनी गाजरों को निचोड़ लिया है, आपको ना ये गाजर निचोड़ लेनी है, बिल्कुल पानी नहीं छोड़ना है इनमें। और ये ना ठंडा, ये जो गाजर ठंडी हो जाए उसके बाद निचोड़ना है। अगर आपने इनमें पानी छोड़ दिया ना तो ये किचकिच करने लग जाएंगी, ठीक है। तो गाइस देखिए मेरा यहाँ पे ना खोआ भी भुज गया है, और खोआ ना आपको थोड़ा पतला ही रखना है, बिल्कुल टाइट नहीं करना है और कुछ ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। आपको खोआ ऐसा करना है जैसे जैसे। तो गाइस इसमें मैं अपनी गाजरों को डाल देती हूँ। आप ना ऐसे अलग अलग करके बनाओगे ना तो सच वाकई में गाइस बहुत टेस्टी बनेगा इसे बनाने से। हमारे यहाँ तो सभी ऐसे ही बनाते हैं, मेरी अम्मा भी, सब कोई। तो गाइस देखिए आप ऐसे भून लिए, गाइस मैंने ना गाजरों को ना खोए में अच्छी तरह से मिला लिया है। तो आप भी देखिए ऐसे करती रहिए और थोड़ी देर चला लीजिए। मैंने चलाने के बाद और फिर तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे 1/2 किलो चीनी ले ली है और चीनी ना इसमें डाल देते हैं और इस चीनी को ढंग से मिला लेंगे, ठीक है। देखिए अब मेरी यहाँ पे चीनी भी ढंग से मिल गई है और मेरा गाजर का हलवा भी बिल्कुल बन चुका है। और इसमें आप ना 2 चम्मच घी डाल दीजिए, अगर आपके पास घी हो तो डाल देना, नहीं हो तो मत डालना। तो गाइस देखिए मेरा यहाँ पे गाजर का हलवा बन गया है और मैं इसे इस पैन में निकाल लेती हूँ। देखिए तो गाइस देखिए मेरा गाजर का हलवा बन चुका है और मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ, देखिए। तो गाइस ऐसे आप गाजर का हलवा बना कर देखना, अलग अलग सब चीज़ों को, मतलब गाजरों को अलग उबाल के और खोए को अलग भूज के। और ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता, बस आपको गाजर चाहिए, खोआ चाहिए, चीनी चाहिए और ड्राई फ्रूट चाहिए। घी हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए गाजर के हलवे वाली, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को फॉलो करना।